हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं पोम्पे से अमल्फी कोस्ट। अभी हम लोग पहुंच गए हमारे अपार्टमेंट के उधर। ये है लिविंग रूम। लिविंग रूम में ये सोफ़ा बेड है। सोफ़ा बेड में ये बच्चे लोग रात में इसमें सोते थे। और ओपन किचन था, इधर एक डाइनिंग टेबल था, लेकिन मैं वो फ़ोटो खींचना भूल गया और क्लिप मिस हो गया। और बाथरूम है, बाथरूम भी उस बाथरूम में ही वॉशिंग मशीन सब था, पूरा फैसिलिटी था, एकदम नीट एंड क्लीन था। फिर बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस था। वो बेडरूम में ही एक ड्रेसिंग एरिया था, उधर बहुत स्टोरेज भी था, फिर एक छोटा सा बालकनी था, उधर ही कपड़ा सुखाने का सब फैसिलिटी था। बहुत ही अच्छा था, उधर से व्यू भी बहुत ही अच्छा था। बालकनी से व्यू भी बहुत सुंदर था। एयरबीएनबी के थ्रू से हम लोगों ने अपार्टमेंट बुक किया था। दो अपार्टमेंट बुक किया था, और एक मेरी फ्रेंड के लिए और एक हमारे लिए। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट सब करने के बाद एक माउंटेन है उधर, उसके ऊपर जा रहे। उधर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है सुना था। हम लोगों ने सोचा ठीक है उधर तक चलेंगे। और उसके ऊपर बहुत सारा घर भी है, एक चर्च भी है उसके ऊपर। ये व्यू देखकर मुझे ऐसा लगा मैं कोई अलग सा दुनिया में खड़ा है। इतना अच्छा व्यू था, वो सी का कलर, वो ट्री, वो ग्रीनरी, माउंटेन, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कोई पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट के अंदर मैं खड़ी है। मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू थी, मैं लाइफ में पहली बार ऐसा व्यू देख रहा, मुझे इतना पसंद आ गया, मुझे इधर से वापस जाने का इच्छा ही नहीं हो रहे थे। अभी हम लोग ये सब ऊपर का व्यू सब देखने के बाद रूम में जाएंगे। उसके बाद हम लोग वो आप लोग देख सकते हैं बीच उधर ही, हम लोग उसके बाद सोचा है उधर ही स्पेंड करेंगे आज का आफ्टरनून पूरा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ आज डिसाइड नहीं किया है। अभी हम लोग वापस रूम जा रहे हैं, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग बीच में जाएंगे। बच्चे लोग तो सुबह से एक्साइटमेंट में, बीच कब जाएंगे, बच्चे लोग से ज़्यादा हम लोग भी एक्साइटमेंट में। और मुझे इधर का सबसे अच्छा लगा, इतनी ऊपर तक, इधर मैक्सिमम घर में एज्ड लोग रहते हैं, और इतना 300 से ऊपर स्टेप्स है, वो लोग
डेली उनका ग्रोसरी वो सब शॉपिंग के लिए उनको नीचे जाना आना जाना पड़ता है, और वो लोग इतना मुझे वो इनका सबसे अच्छा लगा, इतने एज में भी वो लोग इतना एक्टिव है, वो मुझे सबसे इधर का अच्छा लगा है। ये इधर का नेम है, पूरा यूरोप में मैं देख रही हूँ 60 या 70 उनके लिए कोई एज ही नहीं है। और अभी आप लोग देख रहे हैं उधर पानी का बोतल रख रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर थक गया तो ये पानी पी सकते हैं। इधर कोई भी आते जाते उनके लिए ये पानी सब रख रहा है घर वालों ने, बहुत ही अच्छा सिस्टम रहा मुझे। अभी मैं बच्चे लोगों को पूछूंगी मैं फ़ोटो खींचने के टाइम कैसा स्माइल करती हूँ, क्योंकि मैं जब कभी भी फ़ोटो के लिए पोस्ट करें तो तीनों बच्चे आकर मेरे सामने आकर कुछ ना कुछ पोस्ट कर लेती हूँ। मैं ऐसा हंसती नॉर्मली नहीं हंसती हूँ। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ वो लोग कैसे मेरा मजाक उड़ाते हैं। लाइक मी Come, let's go. तू सितारे तोड़े जा। अभी हम लोग रूम में वापस जा रहे हैं, सबको भूख लगा है लेकिन बच्चे लोगों ने मना किया है इधर भी बैठकर खाना नहीं खाना है, क्योंकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी बीच जाना है। फिर हम लोगों ने देखा इस दुकान के सामने बहुत सारा भीड़ है, सी फूड का ही था कुछ, तो फिर हम लोगों ने सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। जब ट्राई किया तो बहुत ही टेस्टी था। अभी हम लोग पहुंच गया बीच में, बीच से व्यू बहुत ही अच्छा था, पानी देख के सब लोग कूद गया पानी के अंदर, बच्चे लोग तो इतना एंजॉय कर रहे थे वो देख कर ही हम लोग भी बहुत खुश हो गया। मुझे इधर सबसे अच्छा लगा इधर का सी का कलर, क्योंकि दोपहर में एक ब्लूइश कलर रहता है और जब इवनिंग होते थे थोड़ा ग्रीनिश कलर आ जाता है, जब सनलाइट की सबसे उसका कलर चेंज होते रहता है, बहुत ही सुंदर ब्लू, जब ब्लू कलर आ जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा पूरा अमल्फी का लुक ही बहुत ही सुंदर हो जाता है।
बीच से आकर हम लोग सभी अभी नहा कर रेडी हो गया। हम लोग सोचा थोड़ी देर वॉक करने के लिए जाएंगे क्योंकि इवनिंग में इधर का व्यू अलग ही है। हम लोगों ने सोचा थोड़ा और फोटो खींचेंगे, इवनिंग का थोड़ा फोटो और खींचेंगे, वही सोचकर हम लोग अभी जा रहे हैं। Ha ha ha.